तासानी बाज़ार काफ़ी बड़ा बाज़ार है। देखें आप यहाँ पे जगह जगह जो है ना वो जो है मांगने वाले हैं साइकिल। साइकिल तो इस बाज़ार के अंदर बिल्कुल आपको आम मिलेंगे। और ये घर देखें मैक्सिमम जो है ना 2 फ्लोर हैं या 3 फ्लोर हैं, हालांकि आपको जो है आम रूटीन में चाहे देखने को मिलेंगे। देखें यहाँ पे जो फीमेल हैं उन्होंने सर के ऊपर स्कार्फ पहना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बुजुर्ग जो है ना सारे गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी ही खस्ता हाल सूरत हाल है। देखें आप ऐसा लग रहा है किसी बहुत पुराने मोहल्ले में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना से। तो गाइस आज हमने दूसरे एशरे का पहला जो है जुमा अदा किया है और मैं जाने वाला हूं चाइनीज मुस्लिम की बस्तियों में, सोसाइटियों में। तो जाके दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे रियलिटी क्या चल रही है। और यहाँ पे जो मैंने अपना महसूस किया कि सिटी के अंदर बहुत सारे बैगर्स हैं, क्या ऐसा रियलिटी भी है या नहीं है, तो सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। लेट्स गो टू द चाइनीज मुस्लिम सोसाइटीज। है जी मुसलमानों का बाजार। देखें यहाँ पे जो है ना बैगर्स जो हैं इस बाज़ार के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बाज़ार इतना ज़्यादा जो है ना डेवलप नहीं है। यहाँ पे देखें आप ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये भी ऐसे ही हैं। यहाँ पे मांगने वाले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि आप ये देखें ये अदरखत के साथ जो अंकल बैठे हुए हैं भी जो हैं मांग रहे हैं, और नीचे जो आंटी बैठी हुई हैं वो भी ऐसी हैं। यहाँ पे इस बाज़ार के अंदर आप जब जुमे की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो आपको जो है ना बहुत सारे जो है ना रस्ते में मांगने वाले जो है ना वो नज़र आते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब फ़कीर नज़र आते हैं, क्योंकि फ़कीर की जो डेफिनेशन है वो और है। मांगने वाले हैं, हम इन्हें मांगने वाले कहते हैं। फ़कीर तो वो होता है जिससे दुनिया की जो है परवाह वगैरह नहीं होती और वो जो है कम से कम चीज़ों में भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये बाज़ार जो है आप देखें, इसके ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इस बाज़ार के अंदर स्कूल है। काफ़ी जो है ये बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट का ये स्कूल है। और यहाँ पे ये रक्शे जो हैं मुसलमान जो हैं यहाँ पे उनका बिज़नेस जो है रक्शों का। देखें यहाँ पे भी देखें काफ़ी लोग इस मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा। इसी वजह से मैं आज जो है ये वीडियो जो है ना वो बना रहा हूँ कि यार आपको दिखाऊँ कि रियलिटी क्या है जहाँ पर चाइनीज़ मुसलमान रहते हैं उस सोसाइटी की। देखें आप ये जो बैठे हैं ये तो जो है ना रेगुलर यहाँ पे बैठे होते हैं बस। देखें ये आंटियाँ हैं, ये बाज़ार जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, खचा खच जो है ना ये बड़ा होता है बाज़ार, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश होता है। मुसलमान जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं उनका रक्षों का भी काम है, बाकी खाने पीने का भी काम काफ़ी ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नाइट लाइफ इन शियान के नाम से, वहाँ पर वो भी वीडियो आप लाजमी वॉच करें, उससे आपको पता चलेगा कि मुसलमानों का कारोबार क्या है। ये देखें यहाँ पे तारों के साथ जो है ना कपड़े फुलाए हुए हैं सूखने के लिए। देखें आप वाइट कलर की टी शर्ट है, जीन्स की पैंट है। और ये गली है, रैंडमली जो है ना गली चूज़ की है कि ये गली अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले कोई जगह सेलेक्ट नहीं की कि ये गली दिखानी है लोगों को। यहाँ पर सिर्फ आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि रियलिटी आपके साथ जो है ना वो शेयर की जा रही है कि यहाँ पे सूरत हाल क्या चल रही है। मुसलमान अमीर भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान अमीर नहीं है। आप देखें यहाँ पे तारें जो है किस तरीके से ना लटक रही हैं, देखें यहाँ पे। और ये घर देखें मैक्सिमम जो है ना 2 फ्लोर हैं या 3 फ्लोर हैं, हालाँकि जो है सिटी के अंदर ये सोसाइटी आबाद है, ऐसा नहीं है कि सिटी के बाहर है, बल्कि काफ़ी फेमस है ये मुस्लिम स्ट्रीट फूड के नाम से। लेकिन फिर भी देखें क्या सूरत हाल है, जो सिटी के अंदर जो हैं वहाँ पे तो जो हैं अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हैं, शियान सिटी काफ़ी फेमस है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे सिर्फ ये वाली जो है ना सोसाइटी मुसलमानों की ये इस तरीके से है। ठीक है, ये बड़ी ही खस्ता हाल सूरत हाल है। देखें आप ऐसा लग रहा है किसी बहुत पुराने मोहल्ले में आ गए हैं। देखें दरवाज़ा ये, और सेंटर में जो है ये वो बना हुआ है, दरख्त बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गुजरने के लिए जो इस साइड पर छोटी सी जगह है गली में से ना। देखें तो अब इसके मेरे राइट साइड पे जो है वो बाज़ार को गली निकलती है, और लेफ्ट साइड पे जो है इस तरफ गली निकलती है। जिस तरफ जाके देखते हैं कि इस तरफ क्या सूरत हाल है। ये सामने इस तरह के ना मुसलमानों के अमूमन जो यहाँ पे घर के दरवाजे का जो कलर चूज़ किया जाता है ना वो इस तरह का कलर चूज़ किया जाता है मोस्टली। देखें यहाँ पर ये छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, इस तरह की गलियाँ जो है ना वो अमूमन अगर आप देखें आप ये क्या सूरत हाल है गली की। गली है साफ़ सुथरी है, लेकिन मकानों की देखें ये बारीक सी गली है, छोटी सी। यहाँ पे शायद एक बंदा जो है ना एक टाइम में गुजर सकता है, लेकिन मेरे तरह के तो 2 गुजर जाएंगे पतले पतले। देखें आप ये छोटी छोटी गलियाँ जो है ना, इस तरह गलियाँ मुँह जो है वो कमालियों में होती हैं देखने के लिए। देखें
घर के बाहर जो है ना सप्लाई जो है ना उसको हैंग किया गया है। पता नहीं यहाँ पे बल्ब जो है वो शायद उसको अपना ऑन करते हैं या क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे रक्षे हैं ना, ये इस तरह की रक्षे जो है ना यही जो है ना ज़्यादातर लोग इस मार्केट के अंदर चलाते हैं और इसी से उनकी आमदन का ज़रिया है। बाकी जो है बाज़ार के अंदर जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं डेफिनेटली उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो उनके घर इधर नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ये मुझे अब मौका मिला तो दूसरे शहरों में भी जाएंगे जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, वहाँ पे भी जाके देखेंगे कि आया मुसलमानों की सोसाइटियाँ जो हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल जो है वो चल रही है। तो ये हम निकल, ये गली आ गई है सीधी जी बाज़ार के अंदर। इसके लेफ़्ट साइड पे भी जो है गली बाज़ार को निकलती है और मेरे राइट साइड के ऊपर भी जो है गली जो है ये बाज़ार को निकलती है। तो राइट साइड पर बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं तो इस तरफ चलते हैं, दिखाते हैं कि इस तरफ क्या है। ये खुला बाज़ार है, यहाँ पर बाज़ार के कॉर्नर के ऊपर जो है ना एक करियाने की बड़ी दुकान बनी हुई है। यहाँ पे देखें साइकिल, साइकिल तो इस बाज़ार के अंदर बिल्कुल आपको आम मिलेंगे। देखें आप यहाँ पे मुसलमानों का लाइफस्टाइल जो है ना, या मुसलमानों का कह लें या चाइनीज़ का लाइफस्टाइल कह लें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी जो है ये बताया था कि 5 रुपये के अंदर आपको कटिंग जो है ना वो आपकी कटिंग हो जाती है बालों की ना 5 रुपये के अंदर। देखें काफ़ी बड़ी जो है सॉरी करियाने की दुकान है ये। यहाँ पर मूंगफली पड़ी है, यहाँ पे किशमिश पड़ी हुई है यहाँ पे सारी जो है ना, और ये एक जो है मीट की शॉप है यहाँ से ना। निहाओ यांग रो इजिन तो शाउची हैं, न्यूरोमा इजिन तो शाउची हैं, सांश अर कह रहे हैं कि जो बीफ है वो 22 युआन का जो है ना हाफ केजी है। ये गली के अंदर जो है यहाँ पे भी वही सूरत हाल है, आप बिजली की तारें देख लें सर के ऊपर जो है ना वो टपक रही हैं, गिर रही हैं। ये क्या है यहाँ पे, ये छोटी सी गली किस तरफ जाती है, अल्लाह ताला खैर करे ये ना बाद में मुझे जो है ना मुसीबत भरनी पड़े। क्या हो रहा है, वाह ये देख ये हो क्या रहा है गली में, ये किस तरफ जाती है गली यार, छोटी छोटी सी गली है सिर्फ एक बंदा गुजरने के लिए बनाई हुई है यार, सन्नाटा है यहाँ पर। अच्छा ये बंद है आगे से, देखें ये गली अंदर से आगे से बंद है, पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, ईंटें लगी हुई हैं। देखें ये दरवाज़ा, देखें इसको देख के पता चलता है कितना पुराना है ये। देखें मैं डर गया था, मैं कहा यार गली कहाँ जा किधर रही है, क्योंकि कभी नहीं इस तरफ आया और ये गली ऐसे ऐसे बिल्कुल ना जिग जैग बना हुआ था। तो हमने जाना है अब राइट साइड पर, राइट साइड पर मैक्सिमम जो है 1 2 3 4 5 फ्लोर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे पहले जो जिस गली में गया था वहाँ पे मैक्सिमम जो है 2 फ्लोर थे या 3 फ्लोर थे, इससे ज़्यादा फ्लोर जो हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सारे बुजुर्ग जो है ना सारे गेम खेल रहे हैं। माजियांग देखें इसे चाइनीज में जो है माजियांग, यो माजियांग कहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गली के ना कॉर्नर के ऊपर आप कह सकते हैं कॉर्नर के ऊपर जो है ना ये गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे देखें बुजुर्ग बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र जो है ना वो 70-80 से ज़्यादा की होगी। कुछ लोग जो हैं साइडों पर खड़े जो हैं वो उनको देख रहे हैं कि ये कैसी गेम खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सामने लोग जो हैं वो बैठे धूप जिसे कहते हैं, कैसे कहते हैं यार, धूप ले रहे हैं, मैं कहने का धूप सेक रहे हैं लेकिन धूप ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वाली जो बस्ती है ना ये काफ़ी हद तक ठीक है, यहाँ पे सफाई सुथराई भी है। उसकी वजह ये है यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम चाइनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, यही वजह है कि उन्होंने इसको ज़रा ना इसका मुंह मत्था जो है ना वो बना के रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है इसको। यहाँ पे घर भी जो है वो नॉर्मल ठीक ही हैं, गलियाँ भी साफ़ सुथरी हैं और लेफ़्ट राइट के ऊपर घर भी हैं, और कईयों ने जो है ना नीचे वाला पोर्शन जो है वो रेंट पर दिया हुआ है, वहाँ पर शॉप है और ऊपर वो खुद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उन्हें समझ नहीं आई लगता, जो मुझे देख रहे थे हो क्या रहा है। ये देखें यहाँ पे भी एक मस्जिद है, ये माशाल्लाह से हर गली के अंदर यहाँ पे एक मस्जिद आपको मिल जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त।